पांच तारीख को जब वोटिंग होगा तो आपको लगेगा कि कहीं दूसरा आटी पार्टी है ही नहीं, किसी का नामो निशान नहीं है। ये पढ़ाई लिखाई और सिंचाई और दवाई वाली सरकार है, कार्रवाई वाली सरकार है, सुनवाई वाली सरकार है, तो इसके प्रति जनता में झुकाव भी है। जो लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है तो लड़ाई यहाँ कोई है नहीं। अब चुनाव है तो प्रक्रिया तो होगा ही। अब तो मान लीजिए बीजेपी तो दावा हर बात में करती है, आप भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोगों का रुझान है वो एक तरफा है, कहीं कोई लड़ाई नहीं। पांच तारीख आने दीजिए, किसका सफाया होता है और कौन देश से पूरे देश में इसका मैसेज जाता है वो इस दिन का इंतजार करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, मेरा नाम अभिषेक है। कुंडनी उपचुनाव को लेकर सियासत काफी तेज है, कुंडनी में उपचुनाव है और 5 तारीख को वोटिंग है, महज कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में सारे मंत्री से लेकर महागठबंधन के जितने मंत्री हैं उसके अलावा केंद्रीय मंत्री बीजेपी की तरफ से उतरे हुए हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री ललित यादव और बिहार सरकार के मंत्री जितेंद्र राय ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि नीतीश तेजस्वी हैं हमारे साथ तरफ और तेजस्वी जी वादा कर रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं और उन्होंने कई सारी बातों का, उन्होंने साफ साफ कहा कि लड़ाई तो है ही नहीं, एक तरफा जीत का दावा किया है नीतीश तेजस्वी की, एक तरफा जीत होगी कुंडनी में और कई सारी बातों को कहा। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री ललित यादव और मंत्री जितेंद्र राय, पहले आप वो सुनिए। कुंडनी विधानसभा के ये उपचुनाव में स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय जनता दल और जदयू और कांग्रेस, CPI, CPM, माले, हम पार्टी के जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा जी, वो भारी मतों से जीत रहे हैं और बहुत वोटों से आगे अभी चल रहे हैं। अब 5 तारीख को जब वोटिंग होगा तो आपको लगेगा कि कहीं दूसरा आटी पार्टी है ही नहीं, किसी का नामो निशान नहीं है। क्योंकि तेजस्वी जी का नारा और मुख्यमंत्री जी का जो सकारात्मक सोच और बिहार के प्रगति के लिए, तेजस्वी जी कहते हैं सुनवाई कार्रवाई और दवाई लिखाई और सिंचाई वाली सरकार चाहिए, तो ये पढ़ाई लिखाई और सिंचाई और दवाई वाली सरकार है, कार्रवाई वाली सरकार है, सुनवाई वाली सरकार है, तो इसके प्रति जनता में झुकाव भी है और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं हमारे मनोज कुशवाहा जी भारी मतों से जीत रहे हैं, कहीं दूर दूर तक किसी पार्टी का नामो निशान नहीं है। क्या लग रहा है कुंडनी में? देखिए, यहाँ हमारे तो दिन भर हम लोग घूम रहे हैं तो जो लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है तो लड़ाई यहाँ कोई है नहीं। अब चुनाव है तो प्रक्रिया तो होगा ही। बीजेपी दावा कर रही है कि हम लोग जीतेंगे, गोपालगंज भी जीते हैं। अब तो मान लीजिए बीजेपी तो दावा हर बात में करती है, आप भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोगों का रुझान है वो एक तरफा है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी कह रही है कि सफाया हो जाएगा। आप अच्छा, अब तो 5 तारीख आने दीजिए, किसका सफाया होता है और कौन देश से पूरे देश में इसका मैसेज जाता है वो इस दिन का इंतजार कीजिए। कोई नाराजगी नहीं है, हमारे कैंडिडेट तो बहुत अच्छे लोग हैं, अनुभव भी उनका रहा है पहले से यहाँ से प्रतिनिधि। वो कह रहे हैं कि यादवों में नाराजगी है। अब उनको हो सकता है कि उनके घर में हो जो कह रहे होंगे। तो आपने सुना कि मंत्री ललित यादव और जितेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, दोनों बिहार सरकार के मंत्री और लगातार विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं और महागठबंधन के JDU प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के समर्थन में लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि लड़ाई तो है ही नहीं, भारी अंतर से हमारी जीत होगी, बीजेपी दावा करे। 5 तारीख को पता चल जाएगा कि किसके दावे में कितना दम है और सफाया होने वाली बात कही, किसका सफाया होगा देश से, ये तो 5 तारीख को पता ही चल जाएगा, शुरुआत हो जाएगी और कई सारी बातों को कहा है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में इस सीट को लेकर सियासत काफ़ी तेज है और कई मंत्री उतरे हुए हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में कुंडनी का बाजीगर कौन होगा, कुंडनी का अगला विधायक कौन होगा, ये तो नतीजे के बाद ही पता चलेगा। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।